हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गुरविंदर कौर, फैकल्टी एट अभिमन्यु IAS. वेरी वॉम वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन. और आज स्टूडेंट हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQ करने वाले हैं फॉर अवर जर्नल साइंस, राइट? ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हमारा अभ्यास 2.0, राइट? जो हमने स्पेशली डेडिकेट है ये फॉर HCS, राइट? तो स्टूडेंट हम जर्नल साइंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे, राइट? और इसके लिए स्टूडेंट इवन हमने टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च कर दी है स्टूडेंट हमारा. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. फॉर हरियाणा GK स्पेशली डेडिकेट है स्टूडेंट ये हरियाणा GK को, ठीक है? यू नो दैट कि हरियाणा GK कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें 500 MCQ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट, और जो ऑफर रहेगा स्टूडेंट वो रहेगा ओनली एंड ओनली 400 रुपीज़ में. आप इसको अवेल कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स? ओके ओके, यू नो दैट कि हरियाणा GK कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? हर साल 5 to 6, 7 क्वेश्चन आराम से हरियाणा GK से आते हैं. और स्टूडेंट हमने HCS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ भी यहाँ पे हमने यू नो स्टार्ट की है, जिसमें नंबर ऑफ टेस्ट रहेंगे आपके 26, और इसका जो प्राइस है दैट इज़ ओनली 6500 रुपीज़ स्टूडेंट. इसमें स्टूडेंट आपको जब आप टेस्ट देते हो, इसकी जो खास बात है ना, जो ये बाकी टेस्ट सीरीज से इसको अलग करता है, वो ये है कि जब भी आप टेस्ट देते हो तो स्टूडेंट आपको अपने वीक टॉपिक्स नीचे ना, आपको जब आपका रिजल्ट आता है, राइट, जब आपके मार्क्स शो होते हैं वहीं पे आपके वीक यू नो एरियाज भी आपको शो होंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपने पॉलिटी का टेस्ट दिया है ना, उसमें आपका सेंट्रल स्टेट रिलेशन से क्वेश्चन गलत हो गए, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन गलत हो गए, तो आपका वहाँ पर टॉपिक शो होगा. आपने बायोलॉजी का टेस्ट दिया, राइट, उसमें आपके डाइजेशन से क्वेश्चन गलत हो गए, तो वो नीचे टॉपिक शो करेगा कि हाँ जी आपका जो डाइजेशन का टॉपिक है वहाँ से आपके ज़्यादा क्वेश्चन गलत हुए हैं, सो यू नीड टू प्रिपेयर दैट टॉपिक, ठीक है? सो स्टूडेंट आप टॉपिक वाइज अपने जो भी वीक एरियाज़ हैं उनको आप कवर कर सकते हैं. देखा कितना अच्छा चीज़ है ये, राइट? तो टेस्ट के साथ साथ स्टूडेंट आप अपने वीक टॉपिक्स को क्या करते जाओगे, रिवाइज करते जाओगे साथ के साथ, सो दैट आप जब नेक्स्ट टाइम टेस्ट दो तो आपके उस टॉपिक में से कम क्या मतलब गलत हो ही ना, राइट? क्लियर है स्टूडेंट आपको, ठीक है? तो इसका ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इस टेस्ट सीरीज का. हाँ जी, तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है स्टूडेंट. इससे पहले स्टूडेंट जब मैंने लास्ट जो हमारा सेशन हुआ था उसमें स्टूडेंट मैंने ना लास्ट क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं दिया था, और उसका लास्ट क्वेश्चन का आंसर था स्टूडेंट बी, ठीक है? दोनों ही स्टेटमेंट सही थी, फर्स्ट भी और सेकंड भी. पहली में उन्होंने फोटोसिंथेसिस की बात की थी और सेकंड में उन्होंने न्यूट्रिएंट की बात की थी, ठीक है? बट जो उसकी एक्सप्लेनेशन है, जो रीज़न असर्शन रीज़न का क्वेश्चन था और जो उसका रीज़न था वो सही नहीं था, ठीक है? सो दैट्स वाई उसका करेक्ट ऑप्शन बी बनता है यहाँ पे, ठीक है जी? ओके, मतलब इट मीन्स कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. इस तरीके से उसका आंसर बन रहा था हमारे 18 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जो हमने लास्ट किया था, ठीक है स्टूडेंट? ओके, तो आज हम ऐसे स्टूडेंट असर्शन रीजन के कुछ क्वेश्चन करेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बट ट्रिकी क्वेश्चन भी हैं, ठीक है? तो चलते हैं, और इन क्वेश्चंस का लेवल भी थोड़ा हाई है स्टूडेंट, सो आप बहुत ही ध्यान से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे. और आज स्टूडेंट हम पॉज भी थोड़ा ज़्यादा लेंगे, ठीक है? सो दैट आपको स्टेटमेंट पढ़ के और उसको थोड़ा सोचने का मौका मिले कि हाँ जी किस तरीके की स्टेटमेंट है और मुझे क्वेश्चन किस तरीके से करके लेके जाना है, ठीक है स्टूडेंट? बट आई कैन एश्योर यू स्टूडेंट कि इतने असर्शन रीजन के क्वेश्चन करने के बाद अगर असर्शन रीज़न पे अगर कोई क्वेश्चन आया तो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि इसमें आपको पता चल जाएगा कि असर्शन रीज़न के क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करते. तो अटेम्प्ट कैसे करते, पहले तो ये देखो स्टूडेंट, जब भी असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट आप अपने माइंड में दो तीन बातें ध्यान रखो. पहली बात, दोनों स्टेटमेंट को आप अलग अलग पढ़िए पहले नंबर पे. दोनों स्टेटमेंट को मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पहली जो है दोनों स्टेटमेंट को मिलाने बैठ जाओ कि इनमें क्या यू नो क्या इनमें लिंकेज बन रहा है. नहीं बनाना स्टूडेंट ये सबसे मतलब ज़्यादा गलती करते हैं कि दोनों स्टेटमेंट को पहले ही मिक्स करना शुरू कर देते हैं. नहीं, आप उनको अलग अलग इंडिविजुअल बेसिस पे पढ़िए, ठीक है? और ये देखिए कि क्या जो पहली स्टेटमेंट है वो सही है, फिर आप दूसरी स्टेटमेंट पे आओ, फिर उसको देखो क्या ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है? अगर
आपकी नॉलेज और आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से आपको लगता है, आपको पता लग जाता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही नहीं है या सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं है। जैसे ही आपको ये पता चले कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही नहीं है या सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं है, तो दोनों को आपस में कोरिलेट करने की गलती नहीं करनी। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर दोनों स्टेटमेंटों में से कोई भी स्टेटमेंट गलत है तो कभी भी दोनों स्टेटमेंट को मिक्स करने की गलती नहीं करनी, ठीक है? फिर आप उनको ज़बरदस्ती तरीके से फोर्सली आप उसको सही मत मानो, क्योंकि बहुत बार एग्जामिनर आपके माइंड के साथ खेलेगा कि वो, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत है बट सेकंड सही है आपकी, वो सेकंड स्टेटमेंट रीज़न कुछ इस तरीके से सेट करेगा स्टूडेंट कि आपको ऐसा लगेगा कि आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, और आपने आपके ऊपर आप सेल्फ डाउट करोगे कि शायद मुझे इस बारे में नहीं पता, ये स्टेटमेंट मे भी सही हो सकती है। मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी, आपको बिल्कुल ऐसा फील होगा स्टूडेंट कि हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको लगेगा कि हाँ यार ये स्टेटमेंट तो सही बनती है क्योंकि नीचे वाली स्टेटमेंट सही थी, उसके हिसाब से तो ये स्टेटमेंट सही होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। मेरी बात समझ में आई स्टूडेंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट, येस और नो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट, येस और नो? मैं फिर से रिपीट कर दूँ, दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट को हमेशा इंडिविजुअली पढ़ो, उनको पहले ही मिक्स मैच करने की ज़रूरत नहीं है इन केस ऑफ असर्शन एंड रीज़न। सेकंड चीज़, स्टूडेंट हमेशा जो आपकी स्टेटमेंट है उसको आप, अगर आपको लगता है कि पहली स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, और सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो सेकंड के बिहाफ पे आप फर्स्ट स्टेटमेंट को सही मानने की गलती मत करना, या फर्स्ट के बिहाफ पे आप सेकंड स्टेटमेंट को सही मानने की गलती मत करना, ठीक है? अगर वो गलत है तो गलत है वो, फिर चाहे नीचे उसने कैसे भी ऑप्शन सेट किया है, ठीक है, आप उसको गलत ही मानो, ठीक है जी? ओके, ठीक है। और अगर दोनों स्टेटमेंट गलत है फिर तो आपके सामने ऑप्शन पड़ा ही है, जाहिर सी बात है, बट ऐसा होगा नहीं। एग्जामिनर इस तरीके से उसको सेट करेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप कर दोगे उसको गलत, ठीक है? इमोशनल हो जाओगे आप वहाँ पे, इमोशनल, ठीक है? ओके, ठीक है। तो स्टेटमेंट पढ़िए स्टूडेंट, फर्स्ट असर्शन एंड रीज़न का क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है एनर्जी इज़ यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। एनर्जी हम यूज़ करते हैं, बिल्कुल करते हैं, करते कि नहीं करते, इसका मतलब ये सही है। सेकेंड कहता है रेस्पिरेशन स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। बिल्कुल, जो हमारी सेल होती है वो क्या करती है, एटीपी की फॉर्म में क्या कर लेती है, एनर्जी को स्टोर करके रख लेती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका मतलब बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है स्टूडेंट, यहाँ पे इसने रेस्पिरेशन की बात की है और नीचे हम रेस्पिरेशन के बारे में बता ही रहे हैं कि हाँ जी इस एनर्जी जो है वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है, तो बस ठीक है। ओके, तो आपका पहले ही स्टेटमेंट सही हो गया, दोनों स्टेटमेंट बाकी जो है वो गलत हो गई यहाँ पे, ठीक है जी? ओके ओके, लेट्स मूव फर्दर। हाँ जी, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। और मैं फिर से बोलूँगी, बच्चे गलती करेंगे, इसमें भी गलती करेंगे। हाँ जी, ओके, तो देखिए कहता लंग्स ऑलवेज कंटेन रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। लंग्स के अंदर कुछ एयर हमेशा रहती है स्टूडेंट, हमेशा रहती है। कभी भी जब आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हो, ऐसा नहीं होता कि आपके लंग्स पूरी तरीके से खाली हो जाते हैं। क्या है स्टूडेंट लंग्स, क्या एक तरीके का क्या है, आपकी पाइप ही तो है, आपका ये जो विंड पाइप है, पाइप है ना, जो आपकी बॉल्स हैं, एल्वियोलाई जो है, राइट, जो आपकी एल्वियोलाई लास्ट में जो सैक्स हैं, ठीक है, आपके लंग्स इस तरीके से हैं, ठीक है, और सॉरी ये डायग्राम तो बिल्कुल ही गलत बन गया, आपके लंग्स कुछ इस तरीके से हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ब्रांचेस हैं, और उसके आगे क्या है, छोटे छोटे बॉल लाइक सैक्स हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू डिफ्यूज़न, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो एक्सचेंज हो रहा है आपके गैसेस का, ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे कुछ एयर रहती है सो दैट ये कोलैप्स ना कर जाए, मतलब ऐसे करके कोलैप्स ना कर जाए ये, इसलिए कुछ एयर रहती है इसमें, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। कहता है इट प्रोवाइड सफिशेंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब एंड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज्ड।
कहता है ये एक सफिशेंट प्रोवाइड करते हैं टाइम का, किसके लिए ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो सके और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो सके, रिलीज हो सके, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या चलता है, जैसे मैंने बताया डिफ्यूज़न होता है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी, ठीक है, ऑक्सीजन बाहर आएगी, या फिर वाइस, या फिर इसका उल्टा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी ऑक्सीजन अंदर जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा अब बताओ दोनों स्टेटमेंट क्या हैं भाई, दोनों स्टेटमेंट सही हैं और रीज़न भी सही है, क्योंकि ये एक सफिशेंट टाइम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, टू एब्जॉर्प्शन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू रिलीज। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं स्टूडेंट, तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, पहले ही बन जाएगा बोथ आर एंड ए एंड ए आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है स्टूडेंट। ओके यस और नो, यस और नो, ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं। हाँ जी तो पढ़िए, एसर्शन रीजन का फिर से क्वेश्चन है, कहता है द मस्कुलर वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स आर थिकर देन ऑरिकल्स, ठीक है। अब हार्ट पे क्वेश्चन है स्टूडेंट, कहता है द मस्कुलर वॉल ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल की जो मस्कुलर वॉल होती है स्टूडेंट, हमारे हार्ट की बात है, कहता है वो थिकर होती है देन ऑरिकल्स, ऑरिकल्स मतलब कि जो हमारे आर्ट्रियम होते हैं, हमारे हार्ट में चार चैम्बर होते हैं स्टूडेंट, ठीक है, हमारे हार्ट के अंदर चार चैम्बर होते हैं स्टूडेंट, हार्ट की शेप कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है, ठीक है। पहला हमारा होता है स्टूडेंट लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये होता है हमारा राइट वेंट्रिकल और ये होता है हमारा राइट आर्ट्रियम, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक बहुत ही मोटी वॉल होती है स्टूडेंट, ये वाली, ठीक है। वेंट्रिकल की जो वॉल होती है स्टूडेंट वो ज़्यादा थिकर होती है, क्यों, क्योंकि वेंट्रिकल ने ही क्या करना है, एकदम से प्रेशर लगाना है सो दैट हमारा जो ब्लड है वो क्या कर सके, सर्कुलेट कर सके पूरे किसके अंदर, हमारी बॉडी के अंदर इतना प्रेशर होना चाहिए और इतना फोर्स तभी लगेगा स्टूडेंट जब यहाँ पे एक मसल्स की मसल्स होंगे, बहुत सारे मसल्स होंगे, राइट, यस और नो। तो पहली स्टेटमेंट क्या होगी आपकी, सेकेंड, दिस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, कहता है ये प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड को, ठीक है। अब बताओ, अब बताओ स्टेटमेंट स्टूडेंट, हाँ जी, कहता दिस हेल्प्स इन प्रिवेंट, अच्छा बी स्टेटमेंट पे ध्यान दो, कहता दिस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द बैक, अरे बैक फ्लो ऑफ वाटर जो ब्लड होता है ना स्टूडेंट, वो हमारे वॉल्व कंट्रोल करते हैं, चार वॉल्व होते हैं स्टूडेंट हमारे हार्ट के अंदर, चार वॉल्व होते हैं स्टूडेंट, ठीक है, चार वॉल्व लगे होते हैं हमारे, दो वॉल्व इधर होते हैं और दो ही इधर होते हैं, ठीक है जी, ओके। तो क्या हो गया स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, सेकेंड गलत है, तो क्या बनेगा, सी स्टेटमेंट बनेगा, आर इज ट्रू, सॉरी ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स, आर इज फॉल्स, ठीक है, क्योंकि बैक फ्लो को रोकने के लिए तो वॉल्व लगे हुए हैं हमारे, मसल्स का वहाँ पे कोई रोल नहीं है स्टूडेंट, मसल का काम है पावर प्रोवाइड करना, फोर्स देना उसको, ठीक है, ओके, ठीक है, हाँ जी। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, असर्शन नॉट रीजन का, कहता है मसल्स ऑफ स्टमक वॉल पोजेसेस थिक लेयर ऑफ द मसल्स, मसल जो स्टमक के होते हैं वो काफ़ी थिक लेयर ऑफ मसल्स होते हैं, रीजन क्या है, दीज मसल्स हेल्प्स इन मिक्सिंग द ब्लड, सॉरी द फूड विद एंजाइम्स प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल, कहता है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उनको वो मिक्स करने में हेल्प करता है, किसको, फूड में, ठीक है। तो अब बताओ स्टूडेंट इसकी स्टेटमेंट क्या सही और क्या गलत, हाँ जी बताओ, वन सेकेंड, हाँ जी, तो क्या स्टेटमेंट बनेगी हमारी, दोनों बनेंगे स्टूडेंट, दोनों ही सही है, दीज मसल्स हेल्प इन मिक्सिंग द फूड, बिल्कुल मसल जो है वो फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, पावर दे रहे हैं सो दैट, मतलब यू नो एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं सो दैट फूड जो है वो हमारा बेटर तरीके से मिक्स हो सके, किसमें, एंजाइम के अंदर, ठीक है, ओके, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, कहता है रेस्पिरेशन इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस अपोजिट टू
फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन जो है ना कहता, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है, अपोजिट टू फोटोसिंथेसिस। रीजन कहता है एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, एनर्जी रिलीज होती है कहता ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के अंदर इसने डिफरेंस बताया स्टूडेंट। अब बताओ आप मेरे को कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है, बताओ। क्वेश्चन ट्रिकी है स्टूडेंट, पढ़ना पड़ेगा आपको ध्यान से। हाँ जी बताए, बताओ बताओ। तो देखो कहता है रेस्पिरेशन इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस अपोजिट टू द फोटोसिंथेसिस, कहता है ये एक तरीके की बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा फिर कहता है एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, एनर्जी जो है वो रिलीज होती है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो रीजन तो बिल्कुल सही है स्टूडेंट, एनर्जी तो रिलीज होती ही होती है जब हमारी रेस्पिरेशन होगी। बट यहाँ पे जो ए स्टेटमेंट है हमारी, रेस्पिरेशन इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस अपोजिट टू फोटोसिंथेसिस, नहीं, फोटोसिंथेसिस भी एक हमारी बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो इसका ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है जी, ओके ओके, हाँ जी। तो सिक्स क्वेश्चन कीजिए, कहता है द रिलीज ऑफ एनर्जी इन एरोबिक प्रोसेस इज मच मोर देन द एनारोबिक प्रोसेस। फिर रीजन कहता है ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एंड 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी इन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन रिस्पेक्टिवली। अच्छा कहता है रिलीज ऑफ एनर्जी इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज मच मोर, बिल्कुल ज़्यादा होती है स्टूडेंट, क्यों? क्योंकि जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, ठीक है, फॉर एनर्जी, ठीक है, तो ग्लूकोज का कंप्लीट क्या होती है, यहाँ पे ब्रेक डाउन होती है, कंप्लीट ब्रेक डाउन होती है। बट जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है जैसे कि हमारी यीस्ट के अंदर, तब क्या होता है स्टूडेंट, तब क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो इनकम्प्लीट ब्रेक होता है। तो स्टूडेंट अगर वो मसल्स में हो रहा है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे लैक्टिक एसिड बन जाते हैं क्योंकि कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं होती, और यीस्ट के अंदर इथेनॉल की प्रोडक्शन हो जाती है, राइट। तो कंप्लीट यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं हो रही, तो ऑब्वियसली एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर स्टूडेंट ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो ए तो बिल्कुल सही है। अब हम आते हैं रीजन पे, कहता है ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एंड 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी इन एरोबिक एंड एनारोबिक। ये कह रहे हैं, कहता है एरोबिक के अंदर तो दो मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं और 38 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं एनारोबिक के अंदर। नहीं स्टूडेंट, इसमें ये उस उल्टने उल्टा लिखा हुआ है। एक्चुअल में पहली स्टेटमेंट देखिए आप, अगर एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है एरोबिक के टाइम पे, बिल्कुल हो रही है क्योंकि कंप्लीट बर्न हो रहा है, तो एटीपी के मॉलिक्यूल ज़्यादा निकलेंगे ना किस में, एरोबिक में, तो दो निकलेंगे हमारे एनारोबिक के अंदर और 38 निकलेंगे एरोबिक के अंदर। तो स्टूडेंट आर क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया, तो ए ट्रू हो गया और आर हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है स्टूडेंट, ओके, ठीक है जी, हाँ जी। तो सेवन नंबर क्वेश्चन है, कहता है असर्शन क्या, कहता है ह्यूमंस आर नॉट ट्रूली एरोबिक, कहता है ह्यूमंस जो है ना वो सही मायने में एरोबिक नहीं है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? पहले आप सिर्फ इस स्टेटमेंट पे ध्यान दो, फिर आप सेकंड स्टेटमेंट पे ध्यान दो। कहता है दे प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड एनारोबिकली, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हम लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट, कब करते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फिजिकल वर्क करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मान लो आप रनिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो नेक्स्ट डे आपके मसल्स में क्रैम्प आ जाते हैं, राइट, वाई, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड। होता क्या है, जब हम बहुत तेज रनिंग करते हैं तो हमारी मसल्स के अंदर ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, लैक हो जाता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। बट मसल्स को एनर्जी तो बनानी है क्योंकि मसल्स को तो काम करना है, क्योंकि हम फिजिकल काम कर रहे हैं स्टूडेंट, है ना, फोर्सफुली। तो होता क्या है स्टूडेंट, उस टाइम पे इनकम्प्लीट बर्न हो जाता है किसका, इनकम्प्लीट बर्न हो जाता है किसका, ग्लूकोज का, और ग्लूकोज जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है वहाँ पर। एनर्जी रिलीज होगी लेकिन बहुत कम रिलीज होगी। अब मुझे आप बताओ कि क्या सेकंड स्टेटमेंट सही है या फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, बताओ।
बताओ, या दोनों ही गलत है बताओ। यहां पे आपका लगेगा स्टूडेंट लॉजिक, बहुत अच्छे से लॉजिक लगता है यहां पे। बताओ। हाँ जी, तो देखिए, ह्यूमंस आर नॉट ट्रूली एरोबिक, ये तो स्टेटमेंट कभी भी सही नहीं हो सकती। ह्यूमन ट्रूली एरोबिक है स्टूडेंट, इररिस्पेक्टिव लैक्टिक एसिड बनता है हमारी बॉडी के अंदर जब हम बहुत रिग्रेसिव यूनो करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ह्यूमंस आर नॉट एरोबिक। ठीक है, वही बात है ना, आपने इस स्टेटमेंट को पढ़ के इसको जज कर लिया, इस स्टेटमेंट को, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आपने आज तक पढ़ा है कि ह्यूमंस जो हैं वो ट्रूली एरोबिक नहीं है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करते नहीं, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं पढ़ी आपने आज तक, किसी थ्योरी में नहीं पढ़ा। सो दैट्स वाई स्टूडेंट, ए तो हमारा गलत ही हो गया यहाँ पे, ए बिल्कुल गलत हो गया। तो आगे देखिए, दे प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, हाँ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, तो आर स्टेटमेंट सही है हमारी। तो क्या हो गया, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, बट आर इज ट्रू। ठीक है, ओके, दे प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड एनारोबिकली। ठीक है, लैक्टिक एसिड हमारा प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट हमारी मसल्स के अंदर। ठीक है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, ए ट्रू है, बट यहाँ पे जो हमारा, सॉरी, ए फॉल्स हो गया, बट आर क्या है हमारा, ट्रू है यहाँ पे। ठीक है, ओके, हाँ जी, नेक्स्ट पढ़िए, 8th क्वेश्चन। कहता ऑल द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स। कहता है जितनी भी आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं हार्ट टू वेरियस ऑर्गन। रीजन, पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। कहता पल्मोनरी जो वेन है, पल्मोनरी वेन जो है स्टूडेंट वो कैरी करती है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। नहीं स्टूडेंट, यहाँ पे उल्टा होता है। हार्ट के केस में मैंने आपको बहुत बार बताया है, हार्ट के केस में आप याद रखिए स्टूडेंट, आई नो कि बहुत बच्चे ऐसा बोलेंगे कि मैम आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और वेन जो है वो हमारा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, मतलब कि CO2 कैरी करती है। दिस इज़ ट्रू स्टेटमेंट, बट स्टूडेंट इन केस ऑफ हार्ट, यहाँ पे जो हमारी पल्मोनरी है स्टूडेंट, पल्मोनरी जो हमारी क्या है, वेन है स्टूडेंट, वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऑक्सीजन कैरी करती है फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, लंग्स टू हार्ट। ठीक है, और एक बात और, जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, प्लीज रिमेंबर, ये कैरी करती है CO2 फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, हार्ट टू लंग्स, प्लीज रिमेंबर दी स्टेटमेंट रिगार्डिंग हार्ट। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत होगी, पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आर तो गलत हो गया, तो अभी आर को तो छोड़ दो आप। अच्छा, ऑल द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन। कहता है वेरियस ऑर्गन्स के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वो कैरी करके लेके जाती हैं। ठीक है, अब आप बताओ मेरे को स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट पे सारा खेल है स्टूडेंट आपका। ठीक है, अच्छा, यहां पे ये स्टेटमेंट यहां पे गलत हो जाती है स्टूडेंट, ऑल नहीं है। अगर ये कहता ना द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर तो सही था, ऑल नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि जो पल्मोनरी आर्टरी है ना स्टूडेंट, वो आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो ऑल तो नहीं होगा। ऑल स्टेटमेंट की वजह से हमारा असर्शन गलत होता है, अदरवाइज ये स्टेटमेंट सही थी। अगर वो सिर्फ आर्टरीज लिख देता फिर तो ठीक था, बट ऑल लिख दिया इसने, ऑल में हमारी पल्मोनरी आर्टरी भी आती है जो गलत है। तो स्टेटमेंट दोनों ही स्टूडेंट गलत है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। ठीक है, समझ में आई मेरी बात आपको? ठीक है, इज इट क्लियर और नो? प्लीज़ रिमेंबर माई सीयर स्टूडेंट, जो मैंने स्टेटमेंट बोली, कहता ऑल है ये, बट अभी अभी मैंने आपको बताया है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या करती है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है हार्ट टू लंग्स, चाहे आप हार्ट का स्ट्रक्चर निकाल के देख लेना। ठीक है, तो ऑल में वो पल्मोनरी आर्टरी भी आती है, सो दैट्स वाई स्टेटमेंट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। अगर सिर्फ आर्टरी लिखा होता
कि आर्टरीज जो हैं वो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तब ये स्टेटमेंट सही होती, बट इसने ऑल लिख दिया इसलिए हमारा रिसर्शन गलत हो गया यहाँ। ठीक है, ठीक है बच्चे, ओके। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। कहता है सर्शन अमीबा इज अ ओमनीवोर ऑर्गेनिज्म, लाइन इज ए कार्निवोर ऑर्गेनिज्म। दोनों स्टेटमेंट को अलग अलग पढ़ो, रीजन देखो। कहता है लाइन इज ए कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म, लाइन एक कार्निवोर है, ये हमें पता है कि वो कार्निवोर ही है। ठीक है, तो ये दोनों हो गए। ओमनीवोर कौन से होते हैं जो प्लांट और इंसेक्ट एनिमल्स दोनों को कंज्यूम कर सके। तो आप मुझे बताओ अमीबा के बारे में स्टेटमेंट बताओ मेरे को आप। हाँ जी बताओ, क्या वो ओमनीवोरस है? नहीं, ओमनीवोरस नहीं कहते, अमीबा इज नॉट अ ओमनीवोरस। वो स्मॉल स्मॉल जो इंसेक्ट्स होते हैं ना स्टूडेंट, हमारे जो इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, या फिर मान लो कोई कोई भी ऐसा छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो टाइनी टाइनी जो हमारे इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको वो कंज्यूम करते हैं। सो इट इज़ नॉट ओमनीवोरस, इट इज़ कार्निवोरस। ठीक है, अच्छा लाइन इज कार्निवोरस, ठीक है जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट, क्या हो गया, असर्शन तो हमारा गलत हो ही गया। ठीक है, और रीजन भी क्या है हमारा, रीजन क्या है हमारा, सही है। ठीक है, तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, ओके, क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है, ओके ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट करते हैं। अच्छा कहता है एल्वियोलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। एल्वियोलाई के पास बहुत सारी एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का। फिर कहता है एल्वियोलाई इज द साइट वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस अक्कर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, जो हमारा लंग है, ठीक है, सबसे पहले उसमें क्या आती है हमारी ब्रोंकियोल्स आते हैं, ठीक है, ब्रोंकाइस आते हैं, और फिर आगे वो छोटे छोटे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सैक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर में, और उसके ऊपर एक पतला सा नेटवर्क होता है स्टूडेंट, किसका, कैपिलरीज का। तो इसका मतलब क्या है, जैसे मैं आपको अगर बड़ा करके स्ट्रक्चर समझाऊं, ये हमारी एक एल्वियोलाई है, इसके ऊपर स्टूडेंट नेटवर्क होता है किसका, छोटे छोटे कैपिलरीज का। कैपिलरीज क्या होती हैं, बहुत ही थिन ब्लड के ब्लड वेसल्स होती हैं स्टूडेंट, जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो इतनी ज़्यादा पतली होती है कि जैसे ये हमारी कोई कैपिलरी है और ये हमारा लंग का सैक है, ठीक है, एल्वियोलाई, ये इतनी पतली होती है कि यहाँ से गैसेज जो हैं वो आर पार जा सकती है, मतलब कि एक्सचेंज हो सकती है। ठीक है, तो एल्वियोलाई के ऊपर एक्सटेंसिव नेटवर्क है ब्लड वेसल का, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट इज एल्वियोलाई इज द साइट वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स, बिल्कुल होती हैं, तो रीज़न जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, रीजन जो दिया हुआ है सर्शन का वो बिल्कुल सही दिया हुआ है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है स्टूडेंट हमारी, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखो। कहता बाइल इज इसेंशियल फॉर द डाइजेशन ऑफ लिपिड्स, रीजन, बाइल जूस कंटेन्स एंजाइम्स, बताइए स्टूडेंट आप मुझे। कहता बाइल इसेंशियल है डाइजेशन ऑफ लिपिड्स की, फिर दूसरा कहता है बाइल जूस कंटेन्स एंजाइम्स। अब आप मुझे बताओ स्टेटमेंट स्टूडेंट, कौन सी सही और कौन सी गलत, बताओ। बताओ, सोच लिया, ध्यान से सोच लिया। अब देखो बी स्टेटमेंट पे आ जाओ। कहता बाइल जूस कंटेन एंजाइम, एंजाइम नहीं है स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो बाइल जूस इज नॉट एन एंजाइम। बाइल जूस जो है ना स्टूडेंट, ठीक है, वो एक तरीके का क्या है, जूस है स्टूडेंट। ठीक है, एक ऐसा जूस है जिसका मेन काम होता है स्टूडेंट ब्रेक डाउन करना, ना कि डाइजेशन करना, ब्रेक डाउन करना किसकी, फैट की। फैट के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, बड़ा मॉलिक्यूल है जैसे मान लो ये फैट का, फैट और लिपिड का, उसको वो क्या करता है, छोटे 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 पार्टिकल्स में उसको तोड़ देता है, सो दैट उसकी आगे चलकर डाइजेशन क्या हो सके, ईजिली हो सके। तो उसका काम है ब्रेक डाउन करना।
ठीक है, एक एल्केलाइन सॉल्यूशन है स्टूडेंट, ठीक है, जो दो काम करता है। पहले तो वो क्या करता है, फैट ग्लोब्यूल्स को, जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको वो क्या करता है, ब्रेक कर देता है, सो दैट आगे चलकर जो एंजाइम्स हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो अच्छे से उसके ऊपर क्या कर सके, एक्ट कर सके। दूसरा काम होता है कि जो HCl, जो एसिडिक इन नेचर है हमारे फूड का जो मीडियम है, उसको वो न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, तो बाइल जूस जो है ना स्टूडेंट, उसमें कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते, ये बात आप याद रखना पक्की अच्छे से, कि बाइल जूस डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम। इसका तो मेन काम है ब्रेक डाउन करना। ठीक है, कोई चीज़ तोड़ रही है, ठीक है, उसको एंजाइम थोड़ी ना कहते हैं। एंजाइम जो हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, जो किसी के, जैसे पेप्सिन है, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन की पार्शियल डाइजेशन करने में हेल्प करता है हमें। लाइपेज एंजाइम जो है वो लिपिड्स की डाइजेशन करने में हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, बाइल का ये काम नहीं है कि वो किसी चीज़ को डाइजेस्ट करने में हेल्प करे, ठीक है, बट बाइल इसेंशियल है स्टूडेंट, बाइल इसेंशियल है, बिल्कुल इसेंशियल है फॉर द डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। ठीक है, क्योंकि उसको वो ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे क्या है, ए तो हमारा ट्रू है बिल्कुल, आर हमारा गलत है, तो सी स्टेटमेंट्स बनेंगे स्टूडेंट, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो। हाँ जी, कहता है हीमोग्लोबिन इज द हीमोग्लोबिन द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन द ह्यूमन बींग। हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द बॉडी। बताओ, हीमोग्लोबिन जो है कहता क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के अंदर। बिल्कुल स्टूडेंट, हीमोग्लोबिन जो है वो एक तरीके का शोल्डर है, ठीक है, आरबीसी का, जिसके ऊपर वो ऑक्सीजन को लेके जाता है। ठीक है, राइट, तो बताइए अब बताओ स्टेटमेंट सही है या गलत है। बताओ सही है या गलत है। सही है स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट सही है स्टूडेंट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हीमोग्लोबिन जो है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, नो डाउट अबाउट दैट, और ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है जी, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारी आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है जी, तो इसी के साथ स्टूडेंट हमारा ये सेशन होता है यहाँ पे ओवर। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, और इवन अगर स्टूडेंट आप चाहते हो कि मैं ऐसी और वीडियोस लेकर आऊँ, किसी और ऐसा कोई आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक जो मुझे आपको समझाना चाहिए या आपको समझ में नहीं आया और उस पर मुझे वीडियो लेके आनी चाहिए, तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, राइट। और इस वीडियो को लाइक कीजिए स्टूडेंट, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, जो भी स्टूडेंट HCS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, ठीक है जी, तो आप टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन कीजिए स्टूडेंट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इवन कोई भी डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आपको स्केड्यूल से रिलेटेड, आपको टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, तब भी स्टूडेंट आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट, ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, ठीक है जी, इसी के साथ मैं ये सेशन कर रही हूँ ओवर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।